मैम बहुत ज्यादा तकलीफ दे समय जो तुसी पिछले दिन चो निकले हो, जो कि मैं देखिया खबरां च भी देखिया सी, चैनलां च भी देखिया, ते मैं ये चाहनी सी कि तुसी खुद आके स्टेज ते सामने सारे दर्शकां नू अपनी हड बीती दसो कि उथे जीरा जेड़ी फैक्ट्री सी शराब दी रोकन लई, जिथे सारियां अपनियां मावां ने भैणां ने मिलके धरना लाया होया है, जो कि सारे घरां वास्ते जी भी जरूरी है, ते उस दे विच जी तुहाडे नाल की बीतिया और तुहाडे नाल होर भैणां नाल होर मावां दे नाल किस तरह दी बदसलूकी पंजाब सरकार वल्लों और पुलिस महकमे वल्लों कीती गई, मैं चाहुंदी कि तुसी आप साडे दर्शकां नूं दसो। जी हाँ जी 24 जुलाई तो जिहड़ा असी मालब्रोस फैक्ट्री आ जिहड़ी मल्होत्रा इंडस्ट्री आ ओहदे गेट दे अगे धरने ते बैठे हुए सी। पीसफुली जिहड़ा साडा धरना चल रिहा सीगा, जिहदे चलदिआं कुछ क दिनां दे बाद प्रशासन वल्लों जिहड़ी साडे ते सख्ताई वरती गई, जिहदे चलदिआं काफी मतलब के माहौल जिहड़ा गरमाया गया ते फिर ठंडा हुंदा नजर आया। सो इहदे पिछे दा जिहड़ा मेन कारण सीगा उह इह सीगा जिहड़ी मालब्रोस फैक्ट्री आ जिहड़ी शराब दी इंडस्ट्री आ उह जिहड़ी मतलब के जो भी ओहदा वेस्ट मटीरियल आ जिहड़ा उह बोर करके जमीन दे विच पा रही सी ते जिहदे नाल नेड़े तेड़े दे पिंडां दा जिहड़ा पानी आ उह दूषित हो चुक्किआ सी ते बिमारियां जिहड़ियां साडे इलाके नूं आपदी गिरफ्त च लै रहीआं सी। जदों इत्थे धन धन भगत दूनी चंद जी मियां वाले धार्मिक स्थान दे उत्ते बोर कीता गया तां उत्थे भारी मात्रा दे विच जिहड़ी अलकोहल पाई गई, जदों अलकोहल पाई गई तां सारे पासे जिहड़ी इस चीज दी हाहाकार मच गई कि आखिरकार जिहड़ी इह अलकोहल आ इह कित्थों आ रही आ ते किवें आ रही आ पानी दे विच। नेड़े तिन्ने दे पिंडां दी पानी दी सैंपलिंग हुई, जो सैंपलिंग होने तो बाद पता चलिया कि जिहड़ी मालब्रोस फैक्ट्री आ जिहड़ी मल्होत्रा इंडस्ट्री शराब की फैक्ट्री आ जिहड़ी इहदे कारण जिहड़ा साडा जिहड़ा इलाका उह पूरा बर्बाद हो रिहा। तां सारे लोकां ने मिल के बेशक इस तों पहलां वी धरने लगदे वी आए सी ते उठदे वी आए सी, समें समें ते इहदे विरोध वी हुंदे आए इस इंडस्ट्री दे, पर कदे किसी विरोध ने इन्ना तेजी नाल रफ्तार नहीं सी पकड़ी कि इहदे मालक मल्होत्रे नूं हत्थां पैरां दी पई होवे। जदों मल्होत्रे ने सारे पासे आपदा देख लिया, एनओसीआं जिहड़ियां उह वी जाली सी सारा कुछ, मतलब कि इवन कि जिहड़े मते पाए गए सी इस फैक्ट्री नूं, जिहड़ी कि फैक्ट्री पब्लिक बेस ते होनी भी नहीं चाहिए सी, ते वो जिहड़ा मल्होत्रा फरीदकोट दा रहने वाला ते फरीदकोट दे एरिए दे नेड़े तेड़े दे लोकां दे जिहड़े वो मते पाए गए सी। जदों इह चीज सामने आई जो भी इन्हां दे अंगेंस्ट एविडेंस सी वो जिहड़े इकट्ठे कीते गए तां इहनूं पता लगा कि नहीं इह जिहड़ी चीजां मेरे अंगेंस्ट जा सकदी आ हाईकोर्ट दे विच, तां इहने जिहड़ा आपदा बल आ जिहड़ा जिहड़ा प्रशासन अधिकारियां द्वारा लिया गया, जिवें कि सानूं पता ही आ सरकारां वी अज तक कारपोरेट घराणियां दे हक्कां दे विच भुगतदियां, पिछलियां वी रहियां ते होण वाली वी रही आ। तो इन्हां ने बल प्रयोग कीता जिहदे विच साडियां 80-80 साल दियां जिहड़ियां मावां सी जिन्हां दियां गुत्तां पट्टियां गईयां, जिन्हां दियां चुन्नियां लाइयां गईयां, धक्के मार मार के जिन्हां नूं बसां दे विच सिटिया गया। तो इहदे विच मेन मुख्य कारण इह सी कि जदों इह सारा कुछ चलदिआं देखो इक साडे एरिए नूं इक पूरा छावनी दे विच तब्दील कर दित्ता गया सी, साडे इलाके नूं 17 जिलिआं दी फोरस आ जिहड़ी एक कारपोरेट घराणे दे मल्होत्रा नूं बचाउण लई 17 जिलिआं दी फोर्स आ जिहड़ी उह तैनात कर दित्ती गई सी, जिहदे चलदिआं माहौल दोनां पासिआं तों बहुत ज्यादा गर्म सी। इहनूं देखदिआं होइआं इमीजेंटली एक सीएम साहब दे ऑर्गेनाइज कीती जांदी आ उह मीटिंग दे विच जिहड़े सरमोर सी भेजिआ गिआ ते उत्थों दे हालात इह सीगे कि सरकार दशा ते दिशा होर दर्शा रही सी, जिहदे नाल कुछ क बंदे एगरी सी ते कुछ क बंदे असी जिहड़े मिस एगरी सी, जिहड़े असी उहनां दीआं गल्लां दे नाल सहमत नहीं सी, क्योंकि पाणी इक मुढ़ली लोड़ आ। पाणी आ जिहड़ा इह ह्यूमन बॉडी तों लै के एनीमल्स प्लांट्स तक जिहड़ा कमरी आ। सो लड़ाई साडी काहदी सी? पाणी दी लड़ाई सी, ते मैनूं लगदा इह कोई लड़ाई जां तां निजी लड़ाई वी नहीं सी ते कोई इह वी नहीं सी इक प्रॉपर्टी दी लड़ाई आ। पाणी आ जिहड़ी इह आवाम नूं चाहीदा।
ਸੋ ਇਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਰੁਕ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੋ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆ ਉਹ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖ ਕੇ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਧਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਜਿਹੜੀਆਂ FIR ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੁਬਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਰੇਡ ਪੈਂਦੀ ਆ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਰੂਹ ਪੋਸ਼ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਲੀਅਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਲੋਕ ਤੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਧਰਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਟਿੱਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਆ ਇੱਕ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ ਆ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਦੇ ਰਾਈਟ ਮੰਗਣਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬਲ ਕੁਚਲ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ।